सर्वेश सिंह जी का आज आकस्मिक निधन हो गया। हम पूरा परिवार, भारतीय जनता पार्टी परिवार, बहुत ही दुखी है, शोक की लहर है। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सर्वेश कुमार का हार्ट अटैक आने की वजह से मौत हो गई। वहीं उनके अंतिम संस्कार में भाजपा के कई दिग्गज नेता भी पहुंचे हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मन बहुत दुखी है, सर्वेश सिंह जी का निधन हो गया, पूरा भाजपा परिवार दुखी है, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें श्री चरणों के स्थान दें, पूरे परिवार को दुख सहने की ताकत दें। बीजेपी पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है। सर्वेश जी के जाने से अपूर्णीय क्षति है। आज बहुत ही मन दुखी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, सर्वेश सिंह जी का आज आकस्मिक निधन हो गया। हम पूरा परिवार, भारतीय जनता पार्टी परिवार, बहुत ही दुखी है, शोक की लहर है। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें, उनके समर्थकों को, उनके अनुयायियों को, पूरे परिवार को असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ी है और इस दुख की छड़े में सरकार भी सर्वेश जी के परिवार के साथ है। सर, पश्चिम की राजनीति में कितना फर्क पड़ेगा? बहुत अपूर्णीय क्षति है और बहुत परिस्थितियाँ हमारे सामने दुखी करने वाली हैं, चिंताजनक हैं, लेकिन ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और पूरे परिवार को, अनुयायियों को, समर्थकों को असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत। बता दें, सर्वेश कुमार लोकसभा क्षेत्र मुरादाबाद प्रत्याशी थे और अगर इनकी राजनीति की बात करी जाए तो पुरानी राजनीति के एक पुराने नेता के रूप में जाने जाते हैं और एक अच्छी छवि के लिए भी जाने जाते हैं, जो लोगों के बीच जाकर लोगों के काम करते थे। पश्चिमी और पूर्वी प्रदेश की राजनीति में अब काफी फर्क पड़ेगा। आज दोपहर इनका अंतिम संस्कार उनके ही गांव रुतुपुरा कला में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। वहीं उनके निधन होने की वजह से पूरी पार्टी में शोक की लहर है।